सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं प्रदीप जी? बढ़िया सर, आप सुनाइए। बिल्कुल बढ़िया सर। क्या आप मैथ का काम कर रहे थे ना? हाँ, मैथ्स में ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं सर। मेरे को एक, आप मैथ का काम बहुत ज्यादा करते हैं जी, तो क्या आप मेरी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं मैथ में? कुछ ऐसी कैलकुलेशन करके बिना कुछ मेरे को बताइए, कोई ऐसे तरीके, कुछ अजब अजब गजब तरीके से। डेट ऑफ बर्थ तो नहीं, लेकिन आपकी बर्थ डेट और मंथ जरूर बता सकता हूँ। अच्छा, हाँ, वो कैसे? उसके लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन आप मन में करें या बोर्ड पे करें? यदि बोर्ड पे करेंगे तो सभी दर्शकों को भी दिखाई दे जाएगी। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है संडे इज फन डे में। मैं मास्टर मनोज पवार और मेरे साथ हैं प्रदीप कुमार, प्रदीप बालू जी, और हम आज एक ट्रिक लेके आए हैं बर्थ डेट और मंथ बताने के लिए। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करते रहिए। आपको पता है मैं उधर मुंह करके बोल रहा हूँ, आप सिर्फ वही करते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ। जी सर। ठीक है जी। सर, सबसे पहले आप मंथ लिख लें, अपना जो मंथ था ना उसको अंकों में लिखना है, शब्दों में नहीं, अंकों में। ओके, ठीक है। उसमें आप तीन जोड़ें, मतलब जैसे एक आपकी, यदि आपकी आपका यदि मंथ सितंबर है तो नौ उसके लिए अंक हो गया, नौ लिखना है, नौ लिखना है जी, जी। और यदि आपका अगस्त है तो आठ लिखना है, जनवरी है तो एक लिखना है। ठीक है, जी, उसमें जी, तीन जोड़े। अच्छा जी, जो आंसर आ गया हाँ, उसमें उतना ही जोड़ दें। मान लो पंद्रह आया तो पंद्रह जोड़े, सात आया तो सात जोड़े जी, जोड़ दिया। अब जो आंसर आया है उसको पांच से गुणा करें। ओके, फिर उसमें से दस घटा दें। अच्छा जी जी, आ गया दस घटा दिया जी सर। अब जो आंसर आया है उसको फिर पांच से गुणा करें। ओके, ठीक है जी सर। अब जो आंसर आया है उसमें से हंड्रेड घटा दें, सौ घटा दें। ओके, घटा दिया जी सर। अब दो से गुणा करें। ओके, अब इसके अंदर आपकी जो बर्थ डेट है वो जोड़ दें। डेट जी, बर्थ डेट। अब मेरे को उत्तर बता दे कि क्या आया है। 921। तो 21 डेट है और सितंबर उसका मंथ है। सही है, ठीक है सर। 21 डेट है और सितंबर उसका मंथ। 21 सितंबर मेरा बर्थडे है। 21 सितंबर बर्थडे है, आने वाला है। हम पार्टी भी लेंगे आपसे, पार्टी जरूर करेंगे। अब ये जो ट्रिक बताई गई है ये हर डेट और हर मंथ के लिए लागू है, लेकिन किस प्रकार आएगी प्रदीप जी ये देखें। ये सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आप वही चीज लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि आपने कहा कि डेट ले लें, दो तारीख थी। नहीं, मैंने मंथ बोला था, मैं मंथ को एक्स ले रहा हूँ। एक्स, ओके ठीक है। उसमें तीन जोड़ने के लिए कहा, और मैं मंथ को एक्स ले रहा हूँ और मैं डेट को ले रहा हूँ वाई। ओके, एक्स वाई चरों के साथ हम इसको करेंगे। ठीक है, जब मैंने आपको मंथ लेने को बोला तो एक्स ले लिया, एक्स ले लिया। उसमें आपने क्या जोड़ा? प्लस थ्री, तीन जोड़ दिया जी। फिर इसमें इतना ही जोड़ा है, उतना ही, इतना ही जोड़ने का मतलब एक्स जमा तीन और जोड़ दिया जी। ठीक है, एक्स जमा तीन जोड़ने के बाद फिर क्या किया, किससे गुणा किया? पांच से। पांच से गुणा कर दिया, मैं पांच से गुणा करके यहां लिख रहा हूं। एक्स और एक्स, दो एक्स, दो एक्स को दस से गुणा करेंगे, पांच से गुणा करेंगे दस एक्स जमा तीन और तीन छह, छह को पांच से गुणा करेंगे तीस। तीस, ठीक है ठीक है। अब फिर क्या किया था, उसमें से दस घटा दिया, दस माइनस कर दिया। ठीक है, फिर आपने कहा था पांच से, पांच से गुणा करें। पहले तो दस माइनस करें, दस एक्स जमा बीस हो गया जी। इसको फिर पांच से गुणा करें, से गुणा करें, ये कितना हो गया, पचास एक्स जमा सौ। फिर मैंने कहा सौ घटा दें, सौ घटा दें, ये सौ तो कट गया यहाँ से जी। क्या बच गया? पचास एक्स। पचास एक्स को फिर मैंने बोला कि दो से गुणा करो, दो से गुणा करें, क्या हो गया, सौ एक्स। कितना हो गया, सौ एक्स। और मुझे सौ एक्स ही चाहिए था। अच्छा, हाँ, यहीं तक लाना है सिर्फ, बाद में तो जवाब जोड़ेंगे। अब किसी भी संख्या को यदि मैं 100 से गुणा करता हूं, यदि मैं एक को 100 से गुणा करूंगा तो 100, दो को करूंगा तो 200, 15 को करूंगा तो 1500 आ जाएगा। अर्थात पहले दो अंक हमारे बचे हुए हैं, एक या दो जो भी आएंगे वो किसके आएंगे, वो मंथ के आएंगे। और हमारी जो डेट है महीने की वो 31 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, यदि हम उनको जोड़ेंगे तो इन दो जीरो की जगह वही आएंगे। ठीक है ना, आपकी 21 थी, आपने 21 जोड़ दिया जी। तो 221 पिछले वाले दो अंक हमें क्या लेने हैं, डेट के लेने हैं, और आगे जो बचेगा वो क्या है, महीना बचेगा। तो ठीक है, ये हमारा
मंथ हो गया और ये हमारा डेट। आप डेट और मंथ को आगे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि मंथ भी हमारे पास 12 ही होते हैं। तो आशा है कि ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ अपने भाई बहन के साथ इसको खेलिए और मजे लीजिए क्योंकि संडे इज फन।